हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हम अभी जा रहे हैं कौसानी के तरफ, जो कि उत्तराखंड का एक और एक ऑफबीट हिल स्टेशन है। हमारा स्टे कहां पे रहेगा, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू कौसानी इज काठगोदाम। काठगोदाम से आप प्राइवेट बसेस या कैब टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। सुबह से हम ट्रैवल कर रहे हैं आगे कौसानी में, तो अभी 4:30 बजे, 5:15 बजने में 15 मिनट बाकी है। 2-3 होटल्स देखे जब कौसानी के अंदर हम एंटर होते हैं, एक मार्केट आते हैं उसके जस्ट 500 मीटर्स के अराउंड एक 2-3 होटल्स देखे, ठीक ठाक थे। फाइनली आगे KMVNK गेस्ट हाउस में, ये है त्रिशूल गेस्ट हाउस एग्जीक्यूटिव कॉटेज रूम। कौसानी एक ऑफ बीट हिल स्टेशन है उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से हिमालय के पीक्स और उसके रेंजेस बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अभी मैं करवाती हूँ आपको रूम टूर। ये है एग्जीक्यूटिव रूम। वेबसाइट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल ये है इनका रूम, काफी स्पेशियस रूम है। बाहर इनका व्यू भी आप देख सकते हैं। ये कॉटेज के साथ साथ यहाँ पे एक प्राइवेट बालकनी भी है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छे दिखते हैं। बट क्योंकि फॉरेस्ट फायर और फॉग के वजह से हिमालयन पीक्स हमें अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। होपफुली अगर सुबह नज़र आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेट्स सी, अभी शाम के 5:30 बजे हैं। यहाँ पे नीचे भी उनके और भी कॉटेजेस हैं, तो हमने ये ऊपर वाला रूम कॉटेज चूज किया। यहाँ पे भी और भी कॉटेजेस हैं KMVNK। वैसे KMVNK वेबसाइट से रूम्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बट लकीली ये अप्रैल का महीना है, ऑफ सीजन के वजह से हमको मिल गया, और साथ ही इलेक्शन भी है तो उस वजह से थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया हमको। पर आप देख सकते हैं ये कॉटेज का नज़ारा है, बाहर से ही ऐसे दिखता है। मैं पूरी तरीके से बाहर जाऊँगी थोड़ी देर में, फिलहाल मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये अंदर का नज़ारा है, बहुत ही स्पेशियस रूम है ये, चारों तरफ वुड से घिरा हुआ है। ये आपको ठंडी में गर्माहट भी देती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड भी पड़ती है। सारे एमिनिटीज दिए हुए हैं, यहाँ पे भी विंडो है, आप देख सकते हैं। रूम काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है इनका। लगेज रखने के लिए आपको एम्पल स्पेस मिलता है, टीवी है, और साथ ही आपको खूबसूरत हिमालयन व्यू मिलता है। और ये बैठे हैं यहाँ पे आईफिल देखने के लिए। तो चलिए हम कॉटेज बाहर से देखते हैं। तो कुमाऊं विकास मंडल निगम KMVN का कौसानी वाला जो एग्जीक्यूटिव कॉटेज कुछ इस तरह से दिखते हैं। और यहाँ पे ये अप्रोच रोड भी है इनका, ऊपर के साइड और कुछ ऑप्शंस है KMVN के, डॉर्मेट्रीज भी है। इस रोड से आप डायरेक्टली अपने प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ सोलर अरेंजमेंट्स भी है ऊपर के साइड। हमको भैया जी ने बताया कि ऊपर के साइड डॉर्मेट्रीज भी अवेलेबल है ड्राइवर्स के लिए, तो अगर आप प्राइवेट से आ रहे हैं, प्राइवेट टैक्सी से, उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर के लिए भी अरेंजमेंट्स अच्छी खासी हैं यहाँ पे। हम आपको बस ये रोड दिखा रहे हैं, यहाँ के डायरेक्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पे डाइनिंग हॉल कहाँ पे है, कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ पे है। हम इधर से आए थे और अभी इधर आ गए हैं। तो ये जो सीढ़ी जाती है नीचे के साइड, ये रिसेप्शन के तरफ जाती है। हम रिसेप्शन नीचे के साइड है, और नीचे हमने वहाँ से रिसेप्शन काउंटर, वहाँ पे हमने एंट्री की और ऊपर ट्रैक करके आए। पर गाड़ी यहाँ तक आ सकती है, तो लगेज वगैरह के लिए आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नीचे के साइड और भी कॉटेजेस और रूम्स भी अवेलेबल है, यहाँ से गाड़ियाँ आती है आपको कॉटेज तक ड्रॉप कर देती है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है। ऊपर के साइड भी कुछ कॉटेजेस हैं, पर हम जो टाइम में गए थे अप्रैल में, ऑफ सीजन था क्योंकि, तो वो टाइम में ज्यादा टूरिस्ट नहीं थे, तो ऊपर के कॉटेजेस बिल्कुल खाली पड़े थे। ये जो प्रॉपर्टी एकदम जंगल के बीचों बीच है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है ये प्रॉपर्टी।
ये KMVM का सब कॉटेज है, गवर्नमेंट का ही है। फिलहाल यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छा है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं और व्यू बहुत अच्छा है। त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे IPL चल रहा है और सामने देखिए व्यू कौसानी का, यहाँ से सनराइज और सनसेट बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फॉग आ गया है, इसीलिए त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, ये सब के जो हिमालय पीक से बहुत क्लियर दिखता है, इसीलिए कौसानी बहुत फेमस है। यहाँ से भी व्यू है, रूम काफी बड़ा है और अच्छा लग रहा है हमें भी, तो एकदम अल्टीमेट है, क्या ही बताऊं मैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो हमारा डिनर आ चुका है, रात के 9 बजे हैं। नहीं, छोटा सा फ्रिज भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कैटल है। 16 डिग्री है पर हमें ये सहन हो रहा है, टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री जाता है तो ही हम स्वेटर डालेंगे। और क्यों, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कौसानी। आप देख सकते हैं मेरे सामने अभी भी बादल घिरे हुए हैं और पता नहीं आज भी शायद हमको नंदा देवी, पंचाचोली पर्वत, त्रिशूल पर्वत शायद नहीं दिख सकते। आई होप कि ये क्लाउड्स जो है क्लियर हो जाए, बट मुझे नहीं लग रहा है, इतने सारे बादल हैं। तो आप देख सकते हैं सनराइज होने वाला है, तो लेट्स सी। आई विश कि सन इस तरह से आए ना तो बादलों को पूरा क्लियर ही कर दे। देखिए कितना धुआं, कितना फॉग है, व्यू अच्छा है। अभी सुबह के 5:45 हुए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने आपको सुबह का सनराइज दिखाया रहेगा, तो हम अभी भी कौसानी में ही है, त्रिशूल गेस्ट हाउस KMVM का उधर ही है। अभी 7:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं रिसेप्शन के तरफ, वहाँ पे चेकआउट के फॉर्मेलिटीज़ भी करना है और ब्रेकफास्ट भी करना है। तो चल के मैं वहाँ पे चल के आपको दिखाती हूँ रिसेप्शन काउंटर और KMVM का ब्रेकफास्ट क्या होता है। तो चलिए KMVM के रिसेप्शन के तरफ। कुछ कॉटेज है, यहाँ पे भी कुछ कॉटेजेस है। तो ये है KMVM कौसानी त्रिशूल रेस्ट हाउस का रिसेप्शन। ये त्रिशूल रेस्ट हाउस का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट होती है, फोन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं होती है, बट आप चेक कर सकते हैं आने से पहले। तो हम रिसेप्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है चेकआउट करने से पहले। ये है इनका रेस्टोरेंट सेक्शन, काफी बड़ा भी है और हम अभी करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। वैसे KMVM के स्पेशल रिक्वेस्ट से हमें थोड़ा सा जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है, क्योंकि हमें जल्दी चेकआउट करना है, आगे की ओर भी जाना है, तो फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। और मैं KMVM के बाहर भी आपको प्रॉपर्टी दिखाती हूँ, देखिए। कुमाऊं विकास मंडल निगम KMVM, उत्तराखंड को 2 डिवीजन से विभाजित किया गया है, कि KMVM मतलब कुमाऊं और एक है गढ़वाल। गढ़वाल रीजन के लिए GMVM वर्क करती है और कुमाऊं रीजन के लिए KMVM। ये दोनों ही एंटिटीज जो है गवर्नमेंट को हेल्प करती है टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। इनके सारे रेस्ट हाउसेस प्राइम लोकेशंस पे स्थित है। आप चाहे तो KMVM जाए या GMVM, आपको लोकेशंस बहुत ही प्यारे मिलेंगे और इनके व्यूज भी बहुत ही अच्छे। कौसानी KMVM का डीलक्स सुपर डीलक्स कैटेगरी,
बता दूं कि KMVN और GMVN में आपको बजट से लेके सुपीरियर कैटेगरी रूम्स मिल जाते हैं और यहाँ की फैसिलिटी और सर्विसिंग भी बहुत अच्छी है। इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट्स अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो वो भी तुरंत रिजॉल्व कर दी जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस है, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस एंटिटीज फॉर श्योर विदाउट एनी हेजिटेशन। डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में आ रहे हैं, पीक सीजन या ऑफ सीजन, उस हिसाब से इनकी टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस बुक्ड रहती हैं, इसीलिए आप बेटर है कि एडवांस में बुकिंग करके आ जाएं। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये अभी हम यहाँ पे हैं KMVN, ये कौसानी में है और आपको यहाँ बहुत अच्छा सीन दिखाई देगा चारों तरफ। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना सुंदर व्यू देखते हुए छोड़ के जाने को मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। हम अभी भी कौसानी में ही है, पर कौसानी में और भी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, पर हम अभी टूरिस्ट रेस्ट हाउस KMVN का ये चेकआउट करके जा रहे हैं। मेरे चैनल पे बने रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का आने तक वेट कीजिए, क्योंकि कौसानी एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी।